today we'll be talking about gluconeogenesis. Last time we talked about glycolysis. Okay, so gluconeogenesis तीन वर्ड से आता है, ग्लूको प्लस नियो प्लस जेनेसिस. ओके, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. वहां पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हम ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट. पर अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस में व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट पाइरुवेट एंड अदर सब्सट्रेट्स इनटू ग्लूकोज. ये उल्टा है, पर उल्टा भी नहीं है, हम नहीं बोल सकते इट इज टोटली रिवर्स, क्योंकि कुछ सारा स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस में, जैसे इरिवर्सिबल स्टेप्स है, उसका एंजाइम अलग है. हियर द एंजाइम इज डिफरेंट, सो वी कैन नॉट से टोटली ऑपोजिट बिकॉज एंजाइम्स आर डिफरेंट. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, न्यू ग्लूकोज इज फॉर्म. न्यू मतलब न्यू, न्यू ग्लूकोज इज फॉर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. ओके, तो इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन ग्लूकोनियोजेनेसिस न्यू ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. ओके, तो दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. लेट्स स्टार्ट. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इन फैट स्टेट एंड इन फास्टिंग क्या होता है देखते हैं हम. इंसुलिन एक्टिवेट्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स. ओके, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. तो फैट स्टेट मतलब व्हेन वी हैव टेकन फूड, तो इंसुलिन एक्टिवेट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज अ लिंक रिएक्शन एंजाइम. लिंक रिएक्शन पता है क्या है, वी विल टॉक अबाउट लिंक रिएक्शन लेटर. ओके, सो पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए एंड एसिटाइल कोए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स. सो दिस इज इन फैट स्टेट व्हेन वी हैव टेकन फूड. पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से फॉर्म होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए एंड एसिटाइल कोए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स. ओके, बट इन केस ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग में क्या होता है, वी नो कीटोन बॉडीज आर फॉर्म. हाउ कीटोन बॉडीज आर फॉर्म, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. तो इन फास्टिंग व्हाट हैपन, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए एंड लॉट्स ऑफ एसिटाइल कोए इज फॉर्म. बट दिस एसिटाइल कोए इटसेल्फ इनहिबिट पीडीएच. सो पाइरुवेट इज नॉट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, बट इट फॉर्म्स ऑक्सलो एसिटेट. So pyruvate, because it is inhibited, acetyl CoA formed here is inhibiting PDH. So pyruvate kya karta hai? It forms oxaloacetate. Okay, fine. Now what is link reaction? Pyruvate decarboxylation or pyruvate oxidation, also known as the link reaction, is the conversion of pyruvate into acetyl CoA. So the conversion of pyruvate into acetyl CoA by the enzyme PDH complex, that is known as link reaction. So conversion of pyruvate to acetyl CoA in the presence of PDH complex is known as link reaction. Okay, so this your gluconeogenesis occurs in, ye maine already explained kiya hai, pyruvate becomes oxaloacetate. ठीक है, एसिटाइल कोए बनता है, तो इट इनहिबिट्स, लॉट्स ऑफ एसिटाइल कोए इज फॉर्म, तो इट इनहिबिट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंड पाइरुवेट फॉर्म्स ऑक्सलोएसिटेट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे. सो देयर इज दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑक्वायर्स इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोप्लाज्म. ओके, gluconeogenesis occurs in both mitochondria and cytoplasm. Any pathway occurring both in mitochondria and cytoplasm will start from mitochondria. So if there is any pathway, okay, if it occurs in both the mitochondria and cytoplasm, then it will definitely start from mitochondria. So pehla step kahan pe hota hai, in mitochondria. Okay, first step, it occurs in mitochondria and the later steps occurs in the cytoplasm. So it occurs in liver and kidney. So gluconeogenesis occurs in liver and kidney. Please remember this, liver and kidney. As it occurs in fasting state, enzyme will be activated in phosphorylated state
एंड ऑल एंजाइम्स एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागोन एंड इनहिबिटेड बाय इंसुलिन. तो ऑल द एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागोन एंड इनहिबिटेड बाय इंसुलिन. आई फॉर इनहिबिशन, आई फॉर इंसुलिन. एक्टिवेशन ग्लूकागोन से होता है. ठीक है. तो रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू समथिंग इज देयर इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज रूल ऑफ टू? रूल ऑफ टू मीन्स अक्वायर्स इन टू कंपार्टमेंट्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. ओके. अक्वायर्स इन टू ऑर्गेन्स, लिवर एंड किडनी. टू ऑर्गेन्स, लिवर एंड किडनी. ओके. देन अक्वायर्स इन टू सिचुएशन, फास्टिंग में होता है और डायबिटीज में होता है. टू सिचुएशन, फास्टिंग और स्टार्वेशन, एक जैसे ही हो गया. फास्टिंग किया और स्टार्वेशन किया, दोनों में पेट खाली है. फास्टिंग, स्टार्वेशन और डायबिटीज में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है. ठीक है. तो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन, मैंने बोला था ना, आई टोल्ड दैट ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट. एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में पाइरुवेट एंड सम अदर कॉम्प्लेक्सेस सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, बट दे आर नॉट द सेम. व्हाई दे आर नॉट द सेम? कैन यू टेल मी व्हाट आर द इरिवर्सिबल एंजाइम्स इन ग्लाइकोलाइसिस? याद है आप सबको, इरिवर्सिबल हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पाइरुवेट. हाँ, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज. ओके. ये तीन एंजाइम आर इरिवर्सिबल. ओके. तो दिस इरिवर्सिबल एंजाइम्स आर रिप्लेस, जो रिवर्सिबल है दैट इज सेम इन ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑल्सो एंड इन ग्लाइकोलाइसिस, दे आर सेम. द रिवर्सिबल एंजाइम्स आर सेम, बट जो इरिवर्सिबल एंजाइम्स है दैट आर चेंज्ड. ओके. तो इन ग्लाइकोलाइसिस वी हैव पाइरुवेट काइनेज, बट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस वी हैव पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप्सी के. ओके. देन वी हैव फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इन ग्लाइकोलाइसिस, वी आर हैविंग फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. इन हेक्सोकाइन वी हैड, इन ग्लाइकोलाइसिस वी हैड हेक्सोकाइनेज, हियर वी हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ओके. तो दिस आर द स्टेप्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. सो फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है? एवरीवन, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्स्ट स्टेप ऑक्वर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पाइरुवेट से स्टार्ट होता है हमारा. स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है? स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरुवेट से होता है. तो देखो, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. तो हियर वी हैव पाइरुवेट. ओके. पाइरुवेट क्या करता है? Some ATP is used and pyruvate is converted to oxaloacetate. Okay, pyruvate is converted to oxaloacetate in the presence of enzyme pyruvate carboxylase. Okay, then kya hota hai? Oxaloacetate, it is present in mitochondria but it cannot go to the cytoplasm. Jaise ki aapko kya hai, aapko kahi jana hai, aapko us raste ka rasta nahi pata hai, then you ask like tomorrow I have to go for vaccination, so the place I have been allotted I don't know where it is, matlab kaha pe hai exactly. So I may ask my brother or my friend or anyone to help me out ki waha pe le chalo mere ko. Theek hai. So usi tarah oxaloacetate is not able to go to the cytoplasm directly. Okay, usme utna himmat nahi hai. So he needs some support. Usko kuch support chahiye. Oxaloacetate is not able to go to cytoplasm directly. तो वो किसका help लेता है? Malate का help लेता है. तो malate, it forms, first forms oxaloacetate, is converted to malate, और malate क्या करता है? Malate चला जाता है cytoplasm में. ठीक है. और malate cytoplasm में again it is converted back to oxaloacetate. Okay. So this is the way oxaloacetate वहाँ पे पहुँच जाता है. Okay, cytoplasm में. फिर क्या होता है? ऑक्सलोएसिटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, और उसको कन्वर्ट करना है हमको 3 कार्बन कंपाउंड में. तो व्हाट इज यूज्ड? जीटीपी इज यूज्ड एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. तो 4 कार्बन से 3 कार्बन हो गया यहाँ पे. एंड द एंजाइम यूज्ड इज फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज. ओके.
ये हमारा उल्टा रिएक्शन स्टार्ट हो गया अभी, पर फॉस्फोएनोल पाइरूवेट के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो वी डोंट डिस्कस बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर सेम. ओके, ऑल द एंजाइम्स आर सेम, दैट्स व्हाई वी डोंट डिस्कस ऑल द रिएक्शन हियर. वी डायरेक्टली गो टू द इरिवर्सिबल स्टेप, जहां पे हमको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 इन ग्लाइकोलाइसिस. पर यहाँ पे उल्टा होना है, तो PFK 1 इज नॉट देयर, वी हैव समथिंग नोन एज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस. ओके, तो इट कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ओके, then this one is converted to glucose in the presence of isomerase. Okay, or glucose 6 phosphate is converted to glucose in the presence of glucose 6 phosphatase. Okay, pehle kya tha, glycolysis mein glucose is converted to glucose 6 phosphate in the presence of kya tha, anyone? Hexokinase. Yes, glucokinase or hexokinase. Okay, so yahan pe ulta hota hai, theek hai. Something else is there. So what are the enzymes? Aapka different enzymes present in the gluconeogenesis. Aapko samajh mein aaya steps? You understood the steps? What I have told now? Everyone clear with the steps? Yes. Okay. So please tell me the different enzymes, the enzymes which differ from glycolysis. Please tell me. One after the another. Tell me first in mitochondria, which is the enzyme? Pyruvate carboxylase. Pyruvate carboxylase. Very good, very good. Okay. Then in, यहाँ पे एक twist है, मैं बताऊंगा बाद में. In cytoplasm, क्या है? क्या है? Phosphoenol, pyruvate carboxylase, PepsiK. Then the next enzyme. Fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphatase. Phosphate नहीं है. Phosphatase is लगा है और next क्या है glucose 6 phosphatase, but this is not the last step, does not occur in the cytoplasm. Okay, ये याद रखना, एक twist है that the last step of gluconeogenesis does not occur in the cytoplasm, but it occurs in the endoplasmic reticulum. So there is some doubt, I have doubt. A rule of two, like we say mitochondria and cytoplasm, so this endoplasmic reticulum mein kyu hota hai last step, so how this is explained, I need to do some research. I don't have answer for that now, but temporarily please remember that last step of gluconeogenesis is happening in endoplasmic reticulum. Okay, first step kaha pe hota hai, mitochondria. Okay, next many steps, where does it occur? It occurs in cytoplasm, and the last step occurs in the endoplasmic reticulum. Okay, now last step mein kya hota hai, glucose 6 phosphate is converted to glucose. Okay, so glucose 6 phosphate is converted in the presence of glucose 6 phosphatase, and it occurs in endoplasmic reticulum. The transporter, there are some transporter or channels in endoplasmic reticulum. Okay, so T1 hai, T2 hai, and T3 hai for the entry of glucose 6 phosphate in endoplasmic reticulum. So T1 is used for entry of glucose 6 phosphate in endoplasmic reticulum. T2 is for the exit of glucose. So glucose 6 phosphate humko break karke kya banega, glucose banega or inorganic phosphate banega. So how they exit? So T2 helps in the exit of glucose, and T3 helps in the exit of inorganic phosphate. Okay, all these transporters are active during fasting state only. So these transporters are active during fasting state only. Okay, fine. Now substrate. Substrate matlab kya hai? What are the substrates of gluconeogenesis? Matlab kis kis chizo se hum glucose formation kar sakte hai. Okay, that is substrate. So we have glycolysis ka end product pyruvate or lactate, we can do gluconeogenesis. All the fats, okay, fats, no fats can be converted to glucose except two.
कोई भी फैट हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सिवाय दो के, कौन सा है वो दो? ग्लिसरॉल एंड प्रोपायोनिक एसिड। तो ग्लिसरॉल और प्रोपायोनिक एसिड छोड़ के कोई भी फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ओके, देन वी हैव गॉट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड मतलब क्या है? जो अमाइनो एसिड, दोस अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म ग्लूकोज, ओके, दे आर नोन एज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। एंड बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, जो इट हैज कीटोजेनिक एज वेल एज ग्लूकोजेनिक प्रॉपर्टी। ओके, जो जो अमाइनो एसिड, इट कैन फॉर्म कीटोन ऑल्सो एंड इट कैन फॉर्म ग्लूकोज ऑल्सो। ओके, तो दिस टू, ये दो साथ में है, ये दो साथ में है और ये दो साथ में है, ठीक है। फिर एनी टीसीए इंटरमीडिएट, जो टीसीए पता है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ऑल्सो नोन एज क्या है? क्रेब्स साइकिल। तो एनी टीसीए इंटरमीडिएट वी कैन यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए कैन नॉट बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सो प्लीज रिमेम्बर, फैट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एक्सेप्ट ग्लिसरॉल एंड प्रोपायोनिक एसिड। मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड इज अलानिन, प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द अमाइनो एसिड, ओके, व्हाट आर कीटोजेनिक, व्हाट आर ग्लूकोजेनिक, एंड वी विल रिमेम्बर द नेम्स, ओके। सो अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म एसिटाइल को ए एस एन प्रोडक्ट एंड कीटोन बॉडीज एस एन प्रोडक्ट, दे आर नोन एज कीटोजेनिक। सो इसमें 2L है, ओके, तो आप कैसे याद रखोगे? एल के आडवाणी, याद है ना? एल के आडवाणी, यू रिमेम्बर एल के आडवाणी? नाम सुना है? Yes, nothing, nothing related to Kaira Advani, okay? L K Advani is a totally different person. So L K Advani, you can remember L K. So यहाँ पे leucine और lysine है और that is ketogenic, okay? So L K, leucine and lysine, okay? And both of them are ketogenic. But lysine, we have little doubt. There is controversy related to lysine whether it is ketogenic or not. तो इफ ऑप्शन कम्स, आपको चूज करना है ल्यूसिन और लाइसिन में, यू गो फॉर ल्यूसिन, ओके, डोंट गो फॉर लाइसिन, ओके। सो दिस इज अबाउट कीटोजेनिक। नाउ ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोजेनिक में क्या होता है? अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म टीसीए इंटरमीडिएट और पाइरुवेट इज फॉर्म, दे आर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। सो देर आर लॉट्स ऑफ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, 13 है, तो वी डोंट स्टडी, वी कैन नॉट रिमेम्बर all the glucogenic amino acid. Yeah, you can remember if you are very intelligent and if you are very hardworking. But we don't need to remember. We remember the exception, those which are not glucogenic. And baki sab already they are glucogenic. So both ketogenic and glucogenic mein aata hai TIP. Okay? TIP. Or you can remember PIT related to dentistry. PIT and caries. PIT and Fisher bolte hai na? So PIT, you can remember PIT or you can remember TIP, whatever is suitable for you. Okay, so both glucogenic and ketogenic mein aata hai all the T, tryptophan, tyrosine and threonine. Okay, I for isoleucine and P for phenyl and alanine. Okay, so these are both ketogenic and glucogenic. Now we will study what are the ketogenic amino acid. So ketogenic kitna hota hai? Dekho, let me tell you, here we have got 2, okay, and here these are also ketogenic, okay, so here we have got 5, 2 plus 5 is equal to 7, okay, glucogenic, here we have got 13, ye bhi sara glucogenic hai, both glucogenic and ketogenic, so they also come under glucogenic, so total 13 plus 5, 18 glucogenic amino acids, okay, so energetics, energetics mein hum baat karte hai, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज करता है एटीपी, ओके, देन पेप्सिके यूजेस जीटीपी, ओके, एंड ये क्या था, फॉस्फो ग्लिसराइड काइनेज, राइट, ओके, इट यूजेस एटीपी, बट टू वी यूज टू पाइरुवेट, राइट, हमारा ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज टू, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू पाइरुवेट, ओके, तो एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाई टू, so we have here, यहाँ पे 2 ATP हो गया, यहाँ पे 2 ATP, so total 4 ATP, okay, 4 ATP, and we have got 2 GTP, so
4 ATP and 2 GTP are used. So 6 high energy phosphate are used to make glucose from 2 molecules of pyruvate. From 2 molecules of pyruvate, if we have to make glucose, we use 6 high energy phosphates. Okay? Energy phosphates. Okay? So this was all about gluconeogenesis. I think ये काफी considerably tougher topic है, but I have tried to make it as simple as possible. I hope you have understood everything. If you have